खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम बेहद खास विषय की बात करने जा रहे हैं और वो सीधे तौर पर बच्चों से जुड़ी है, वो भी उन बच्चों से जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, उससे दूर भागते हैं। उन्हें कोई काम दे दीजिए, होमवर्क करने बिठा दीजिए या बता दीजिए कि आज ये पढ़ाई या चैप्टर आपको खत्म करना है और देखिए वो तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं या कह लीजिए पढ़ते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है और आप कैसे इससे डील कर सकते हैं, इसके अलावा जानेंगे परवरिश टिप, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन होगा, राशिफल और अंत में वो विचार जो हम सबका दिन बना देगा। और आप जानते ही हैं ये सब हमें कौन बताता है। राम राम गुरु जी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों बहुत ढेर सारा रात का और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरु जी, आखिर वो कौन बच्चे होते हैं जो पढ़ाई से भागते हैं, जी चुराते हैं, उनका मन ही नहीं लगता पढ़ने में? जी जरा ध्यान से सुनिएगा, आजकल कुछ इस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं जिसमें बच्चों का मन व्यथित होता है और वह पढ़ाई से दूर आने लगते हैं। वैसे भी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बच्चे का सूर्य या चंद्रमा कमजोर होगा या बृहस्पति बुध कमजोर होगा तो वह पढ़ाई से डिटैच होने की टेंडेंसी रखेगा और ऐसे में यदि उसे सही माहौल नहीं मिला तो डिटैच हो जाएगा। अब ये सही माहौल से मेरा मतलब क्या है? देखिए, कुछ बच्चे हैं जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देने से चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो ये आपको आपका बच्चा कैसा है ये खुद पहचानना पड़ेगा। वैसे तो कुंडली मदद कर देती है सारी, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि सब कोई कुंडली देखना नहीं जानते हैं, लेकिन सूर्य चंद्र बुध बृहस्पति यदि बच्चे के कमज़ोर हैं और उसके अंदर चिड़चिड़ाने की आदत है तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय उसके साथ जुड़कर कार्य करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त खास तौर से मंगल की स्थिति अच्छी नहीं, शनि और बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं और ऐसे में बहुत मुमकिन होता है कि बच्चे के अंदर इरिटेशन बढ़ जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है और वो पढ़ाई छोड़ छाड़ के बैठ जाता है। तो इंस्ट्रक्शन से ऐसे बच्चे के देने से बचेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, चिड़चिड़ाता है या रिएक्ट करता है, बदतमीजी से बोलना शुरू कर देता है तो भी पढ़ाई के लिए उसके पीछे पढ़ना बंद कर दीजिए, बल्कि उसको प्यार से कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर दीजिए। भारतीय माता पिता की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और वो ये है कि उनके लिए ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं उनके बच्चों के कंटेक्स्ट में मैं कहूँ तो, या खा लो या पढ़ लो। इसके अलावा भी बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है और आजकल बच्चों की ज़िंदगी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अगर हम समय रहते उसको ठीक नहीं करेंगे तो बच्चा चिड़चिड़ाएगा क्योंकि आप उसे नहीं समझ रहे हैं। तो इसका बहुत गहराई से मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा ऐसे बच्चों पर, वो बहुत ज़बरदस्त कार्य करते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद देने लगते हैं, उसमें अरुचि नहीं होती है। ये विषय इसलिए भी मैं ले रहा हूँ, अभी ही बहुत पैसा खर्च करके एक बच्चा MBBS में गया, उसने 2 साल पूरे किए और अब वो कहता है पढ़ाई में मन नहीं लगता। माता पिता गरीब हैं लेकिन वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा और वह छोड़ने को आतुर है और इस चक्कर में डिप्रेशन में भी जा चुका है और डिप्रेशन की दवाई हमें रहा है। तो ये स्थिति सबके साथ ना हो, इसके लिए हम बहुत सारे अभी उपाय जानेंगे। तो वाकई में आपको ऐसे बच्चों के अंदर कैसे रुचि जगानी है और कैसे उनको ये समझाना है या यूं कह दीजिए लाइन पर लेकर आना है कि वो समय से पढ़ाई करें, इस सब पर हम गुरु जी से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राशियों की बात, गुरु जी पहली 4 राशियों का दिन कैसा होगा? मिथुन और कर्क राशि का हाल सुनिए। मेष राशि, मन बहुत चंचल रहेगा, चलायमान रहेगा, विचार आते जाते रहेंगे और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कार्य करने से बचेंगे इस दिन, क्योंकि आप अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाएंगे या समय वेस्ट कर देंगे। मित्रों से थोड़ा सावधान रहें। एक विशेष सावधानी इस दिन की यह है कि आप इस दिन आग से, केमिकल से थोड़ा सा दूर रहें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम रुद्राय नमः का जप करें फिर अपने काम पर जुटें।
वृषभ राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिल रहे हैं, कुछ नया बड़ा अच्छा कार्य करने की आप सोच सकते हैं। इस दिन धन को लेकर भी थोड़ी चिंताएं जरूर रहेंगी, लेकिन काम रुकेगा नहीं, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन जल्दबाजी में धन किसी को मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, इस दिन आप लोगों में सौंफ, मिश्री और गोला जरूर बांटिएगा। मिथुन राशि, ये वक्त आपके काम बनाने वाला है, इसलिए खूब मेहनत से समय का सदुपयोग कर लीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी लेकिन बरतनी पड़ेगी, आप जल्दबाजी में या घमंड में कोई कार्य मत कीजिएगा, नहीं तो आपको उससे खासा नुकसान होगा, वाद विवाद भी हो सकता है। बस एक छोटा सा उपाय करें, गणपति जी के सामने बैठें और उनको प्रणाम करके जप करें और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, यह दिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है आपके लिए, अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रख कर चलना होगा, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, लेकिन फिर भी आपको किसी की मदद से आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे, इसलिए चिंता ना करें, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन आप किसी की ऐसे मदद मत लें जो आगे जाके आपको मुश्किलें पैदा कर दे, मेरी बात आप ध्यान से समझ रहे होंगे। उपाय क्या करेंगे, दूध और दूध से बनी चीजों का दान करें, तो जी सब ठीक करेंगे। ध्यान से सुनते जाइए, अपनी राशियों के उपाय और सावधानियां नोट करते चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। और अब उन लोगों की बात जिनका आज जन्मदिन है, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने थोड़े सावधानी से चलने वाले हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ एक निर्णय गलत होने की वजह से कोई नुकसान हो सकता है, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि आप बार बार अपने रास्ते बदलने की कोशिश करेंगे, हर जगह आपको लगेगा ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर चलने से लाभ नहीं होगा, इसलिए बहुत शांति से अपना कार्य कर लीजिएगा। वैसे ही अभी भी हो रहा होगा, भ्रम में मत उलझिएगा। हाँ, अप्रैल के बाद समय आपका बहुत अच्छा होगा, फिर आप खुल के खेलें, लेकिन तब तक क्या करना है, चांदी की चेन गले में जरूर धारण कर लें माँ के हाथ से, और अपने हर फैसले में माता पिता का सलाह साथ अवश्य ले लें, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं मत करिएगा, उससे भी नुकसान होगा, और बड़ा परिवर्तन नौकरी वगैरह में भावावेश में बह के मत कीजिएगा, उससे भी नुकसान होगा। बाकी जो मैंने उपाय बताया इससे सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, संघर्ष भी होता ही है, लेकिन उसको अच्छा कैसे बनाएंगे ये हमारी मेहनत के हाथ में होता है, और साथ ही साथ आप उपाय कर लेंगे तो सोने पे सुहागा। तो इसीलिए जो उपाय गुरुजी ने आपको बताया उसे आप जरूर करें। आज बात हो रही है पढ़ाई की, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनकी रुचि पढ़ाई में कैसे जगाएं। गुरुजी, इसका कोई उपाय हो सकता है या हम कैसे समझा सकते हैं बच्चों को कि उनको पढ़ाई करनी चाहिए? बिल्कुल, इसके व्यवहारिक उपाय भी हैं और कुछ ज्योतिषीय उपाय। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, सूर्य यंत्र बनवा लीजिए कहीं से, और सूर्य यंत्र उनके गले में रविवार को पहना दीजिए। ये छोटा सा सूर्य यंत्र तांबे पर होगा, और इसको आप लाल रंग के धागे में भी पहना सकते हैं, या जो भी चेन बच्चे गले में धारण किए हुए हैं उसी चेन में पहना दीजिएगा। किसी कारणवश यदि सूर्य यंत्र नहीं आपको मिलता है तो तांबे का एक छल्ला अनामिका में रविवार के दिन बच्चे के पहना दीजिए, और हर रविवार को बच्चे को बोलिएगा कि वह अनाज या गुड़ का दान अवश्य कर दिया करे, इससे पढ़ाई में बहुत मदद मिलनी शुरू होगी। ऐसे बच्चों से वर्ष में एक बार जल पिलाने का कोई स्थान जरूर बनवा दिया कीजिए, या ऐसी कोई मशीन या कोई घड़ा या ऐसी कोई चीज़ जिससे लोग जल पीते हों वो बच्चे के हाथ से दान करवा दिया कीजिए, और ये उसके जन्मदिन वाले दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा उपाय मैं और आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ने से कतराते हैं या जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन्हें आप एक लोहे का छल्ला या बिच्छू घास की जड़
जो बहुत जबरदस्त काम करती है, इसमें बिच्छू घास की जड़ नीले रंग के धागे में गले में पहना दीजिएगा शनिवार को, या लोहे का चल्ला मध्यमा में उनके पहना दीजिएगा शनिवार को। हाथ कोई भी हो सकता है, कुछ और उपाय मैं अभी बताता हूँ। तो वाकई व्यवहारिक तौर पर भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ बातें, कैसे बच्चों के साथ डील आपको करना है, और साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं जो गुरुजी ने आपको बताए हैं, तो दोनों ही जरूर कीजिए आप। आगे भी हम बात करेंगे कि बच्चों की रुचि पढ़ाई में कैसे वापस लाएं, लेकिन उससे पहले दिन का शुभ अशुभ समय जान लेते हैं गुरुजी, वो क्या है? पहले अशुभ समय बताता हूँ, फिर शुभ समय बताऊंगा। दो मूड समय रहेगा सुबह 8:38 से 9:25 तक, उसके बाद रात में 11:01 से 11:49 तक गुलिक काल रहेगा, दोपहर में 12:13 से 1:43 तक यमगण काल रहेगा, सुबह 9:13 से 10:43 तक और राहु काल रहेगा दोपहर में 3:13 से 4:42 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा 11:49 से 12:37 तक और अमृत काल मिलेगा सुबह 8:14 से 9:46 तक। ध्यान रहे दिन का कोई भी महत्वपूर्ण काम, इम्पोर्टेंट मीटिंग, कुछ नया या बड़ा शुरू करना है तो आप शुभ समय को ही ध्यान में रखें। और अब बीच की चार राशियों की बात, गुरुजी राशिफल का इनको है इंतजार। तो सुनिए सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, क्रोध की वजह से यह दिन आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए आपको क्रोध से बचना होगा। जल्दबाजी में कोई ऐसा या गुस्से में कोई ऐसा या बदले की भावना से कोई ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जो आगे जाके आपको बहुत परेशान करे। बस एक छोटी सी सावधानी वाहन चलाने में जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि, यह दिन धन की और स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए अपने धन का भी ख्याल रखें और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। इस दिन गरिष्ठ भोजन करने से बचिएगा। सावधानी क्या रखेंगे, इस दिन कोई मित्र हो सकता है किसी कारणवश आपका कार्य नहीं कर पाए जिस पर आप निर्भर कर रहे थे, लेकिन क्रोध मत कीजिएगा, बात कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आप फल लोगों को खिलाइए, फल लोगों में बांटिए। तुला राशि, भाग्य पक्ष इस दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन कार्य आपके बनेंगे, रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक सावधानी जरूर रखनी होगी आपको, घर में किसी कारण से तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम दुर्गाय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। वृश्चिक राशि, यह वक्त आपके लिए अच्छा है, कोई प्रशंसा पुरस्कार आदि भी आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिला के आगे बढ़ने वाला ये दिन है, लेकिन सावधानी जरूर रखिएगा, पिताजी से मतभेद ना हो और उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे, सूर्य को जल लेकर अपने काम पर जुटिए। तो ध्यान से अपने उपाय सावधानियां आप नोट करें, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आज बात हो रही है स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गुरुजी जब जिनका एकदम से ही मन उचट जाता है पढ़ाई से, एकदम ही सडन रुचि खत्म हो जाती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? ये थोड़ा गंभीर केस है और इसको समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है। अब जो बचपन से नहीं पढ़ रहा वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन एक बच्चा अच्छा खासा पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते डिविएशन आया। हाँ। ये और खास तौर से आजकल डिविएशन आया ये और इम्पोर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। अचानक कभी कभी पढ़ाई से जब मन हट जाए तो ऐसे बच्चों को घुमाना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई के लिए बहुत जोर मत डालिए, बहुत प्रेशर मत डालिए, बल्कि उनको ऐसी जगह पर घुमाइए जहां पर जल अधिक हो। और दूसरा कार्य आप क्या करना शुरू करेंगे, उन्हें एक चांदी की चेन जरूर पहना दीजिएगा। और तीसरा, उनसे शिवलिंग का अभिषेक कराना शुरू कर दीजिए, उनके साथ नमी वाली घास पर थोड़ा सा टहलना शुरू कर दीजिए और आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। लेकिन इसके लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे, ये बहुत जल्द नहीं होगा, समय लेगा। एक उपाय और है, ओम ह्रीम, HRIM, ओम ह्रीम, बस इतना ही। यह आप भोजपत्र पर लिखिएगा, हल्दी से स्पष्ट नहीं दिखेगा, अनार की कलम बना ली, अनार की कोई गिरी हुई लकड़ी ले लीजिएगा, उसे अच्छे से धोके उसे छील लीजिएगा पेंसिल की तरह से, और हल्दी की स्याही बना लीजिएगा, उसे ओम ह्रीम लिखकर और उसको मोड़ कर फिर किसी कपड़े के अंदर करके उसे बच्चे के गले में पहना दीजिए।
पीले रंग के धागे में बांधकर या लॉकेट के रूप में कर दीजिए। ओम ह्रीम और इसी मंत्र से फिर जब ये लॉकेट के अंदर हो जाए तो इसी मंत्र से कम 11 माला का जप करके अभिमंत्रित कीजिए, फिर बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। दिन रहेगा बृहस्पतिवार अथवा रविवार। ये थोड़ा समय तो जरूर लेगा उपाय, लेकिन अद्भुत फल देगा। बच्चे के मूड में जबरदस्त परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा और वह पढ़ने की इच्छा व्यक्त करने लगेगा। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में शुरू से ही दिल नहीं लगता, लेकिन कुछ का अचानक मन हटा है तो जैसा गुरुजी ने आपको बताया, ये चिंता की बात है और इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। अब अंतिम चार राशियों की बात, गुरुजी उनका दिन कैसा होगा? धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल सुने। धनु राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। इस दिन कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप हैं थोड़ी इसलिए बनेंगे थोड़ी। लेकिन एक छोटी सी सावधानी, दुर्घटना के संकेत दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन आप उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। मकर राशि, जल्दबाजी के डिसीजन या गलत डिसीजन की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग आपकी मदद कर रहे हैं इसलिए आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं, कार्य आपके बनते रहेंगे। बस किसी की बातों में मत बह जाइएगा, एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लें। इस दिन जल्दबाजी में किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने काले कपड़े में थोड़ी उड़द की दाल रखकर उसका दान जरूर कर देना है। कुंभ राशि, समय आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल है, खासतौर से स्वास्थ्य की दृष्टि से, और अचानक कहीं कोई नुकसान ना हो जाए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सतर्क रहना होगा, धन को बहुत बचा कर चलिएगा। सावधानी, इस दिन कोई मित्र आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बस इससे ज़्यादा मन में और कुछ बात मत रखिएगा कि ये है कि वो है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बाकी अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। हाँ, एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लें, इस दिन आप ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, फिर सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस दिन शत्रु शांत रहेंगे आपके, इसलिए आप अपना काम तेजी से करिएगा, रुके हुए कार्यों को बहुत तेजी से निपटाने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास शाम 5 बजे तक का समय बहुत अच्छा है, इस समय में रुके हुए कार्यों को निपटाइए, आगे बढ़ जाइए। एक छोटी सी सावधानी आपको रखनी होगी, पेट का ध्यान रखें और दुर्घटना के संकेत भी मिल रहे हैं इसलिए वाहन आदि बहुत ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करेंगे, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कितना अच्छा दिन हो गया, आप देखिए गुरुजी ने ढेर सारे उपाय बताए। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, वो पढ़ाई कैसे करें, उनका दिल लगा रहे, रुचि बनी रहे। लेकिन अब बारी उस विचार की जो हम सबका दिन बनाएगा, गुरुजी वो क्या है? एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी विचार, चार्ली चैपलिन ने एक बहुत अच्छी बात कही, वह सबसे बुरी बात जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं वह है विलासिता का आदि होना। यानी जो लोग जरूरत से ज्यादा कंफर्ट्स में रहने लगते हैं उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश कीजिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और जमीन से जुड़कर बहुत मेहनत से कार्य करना शुरू करें, किसी पर डिपेंड भी ना रहें। गुरुजी जब भी कहते हैं छोटा सा, तो आप समझ जाइए बहुत बड़ी और गहरी बात है। सुनने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे, ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, प्रभु आपको खूब ज्ञान बुद्धि दें। इसी शुभकामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।